हम इस पचासी साल की उम्र में भी अपना खाना बनाने का पैशन पूरा करने में लगे हुए हैं एज इज़ जस्ट ए नंबर उनको पता नहीं था कि भी क्या होता है यूट्यूब क्या है हमारी नज़र कमज़ोर होने की वजह से हम तो कमेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन ये बच्चे हमको पढ़ पढ़ के बताते हैं दादी आज इतने कमेंट्स आए हैं आपके लिए आप तो क्या हेलो नमस्ते एम विजय निश्चल और मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ मेरा जन्म हैदराबाद में हुआ है वहाँ के ही स्कूल में पहली दूसरी क्लास की पढ़ाई की फादर थे फैमिली में और हम आठ भाई बहन थे मदर की डेथ हमारे यंगेस्ट ब्रदर के पैदा होने के साथ ही उनकी डेथ हो गई तो इसलिए बचपन से ही हम लोग अपने पापा के साथ ही पले हैं वही हम लोगों का ध्यान रखते थे वही हम लोग का सब काम करते थे नहलाना धुलाना बाल चोटियाँ बनाना फिर रोटी पानी के चक्कर में फादर को हैदराबाद से फिर बॉम्बे जाना पड़ा वहाँ वो बाटा शू कंपनी के मैनेजर रहे कई साल तक वहाँ उन्होंने काम किया लेकिन जब उनके फादर यानी हमारे दादाजी जब डेथ बेड पर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे आखिरी समय में तुम अपने बच्चों सब को सबको लेकर यहाँ आ जाओ ताकि मैं आखिरी बार उनको देख लूँ इसलिए फिर हम लोग लखनऊ गए फिर अब ग्रेजुएशन हो गया हमारी हमसे जो बड़ी सिस्टर जो हम दोनों साथ में पढ़ते थे उनकी तो जॉब लग गई दो साल तक हम खाली रहे अब करें तो क्या करें दिमाग यही गोते खाता था कि हम क्या करें हम क्या करें उस समय ये था कि लड़कियाँ सिवाय स्कूलों के और कहीं वो जॉब उनको मिलती ही नहीं थी कोई करवाते ही नहीं थे हैदराबाद में जब तक थे तब तक, तक भी यही था कि पर्दा सिस्टम था निज़ाम स्टेट थी वो तो वहाँ पर्दों की वजह से रिक्शाओं में पर्दे बसों में पर्दे स्कूल की बैलगाड़ियाँ होती थी जिनमें जाते थे उसमें भी आगे पीछे दोनों तरफ पर्दे होते थे तो ये पर्दा सिस्टम इतना ज़्यादा था हैदराबाद में उतना तो जालना में नहीं था लेकिन फिर भी लड़कियाँ जो थीं वो दे ऑलवेज प्रेफर टू बी ए टीचर हमेशा वो यही चाहती थी कि हम टीचर ही बन जाए जॉब करनी है तो टीचर कहीं ऑफिस में पोस्ट ऑफिस वगैरह में बैंकों में कहीं अप्लाई ही नहीं करती थी न ही वो जाती थी सिवाय एक स्कूलों के शादी की भी बात आपको बता दें स्पष्ट रूप से कि हमारी शादी जो है वो लेट हुई है लेट मैरिज थी एट द एज ऑफ थर्टी फाइव ईयर्स और शादी होके फिर दिल्ली आ गए अब दिल्ली आ तो गए अब रहे तो कहाँ रहें जो ससुराल का घर था वो था छोटा एक मैरिड कपल के लिए रूम नहीं था तो यहाँ घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि हस्बैंड ने डिसाइड किया कि भाई इतनी छोटी सी जगह में और फिर मकान मालिक की तरफ से प्रेशर हो रहा था कि भाई आप मकान खाली करो आप मकान खाली करो अब जाते तो कहाँ जाते इतना बड़ा घर पांच मेंबरों के रहने की जगह जहाँ पर हो जहाँ दो कम से कम दो सेपरेट रूम हो तो ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक अलग उसमें चले गए और वो दोनों बच्चों के साथ में माँ बाप एक दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए इस तरह से लाइफ आगे बढ़ती है। अब दिल्ली आ गए रहने की जगह तो हो गई किसी तरह से मैनेज कर लिया गया अब नौकरी की तलाश उस वक्त सेवेंटी फोर में तनख्वाहें क्या थीं गवर्नमेंट की थी। हालांकि थे तो गवर्नमेंट जॉब में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए पी ए वो काम कर रहे थे तनख्वाहें उस समय तीन सौ तीन सौ बहुत बड़ी तनख्वाह थी बहुत खुश थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं तीन साढ़े तीन सौ तनख्वाह आती है आराम से घर चल जाएगा लेकिन जब बात किराए की आ गई <laughs> तो फिर ये हुआ कि अब ये किराया देंगे या घर में खाना खाएंगे दो आदमी का खर्चा खाने पीने का भी सौ डेढ़ सौ रुपया तो होता ही है उस जमाने और मकान का किराया दो सौ तो हाथ में रहा क्या कुछ भी नहीं <laughs> तो ये लाइफ हुई थी शादी के बाद कि तीन महीने के अंदर तो हम निकलते थे हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते थे हम अकेले क्या करें आज इस स्कूल में गए कल उस स्कूल में गए परसों तो उस स्कूल में गए पूरे जनकपुरी के चक्कर लगाते रहे लगाते रहे सालों निकल गए मजबूरी थी कर लिया जॉब वो, वो वन सेवेंटी फाइव घर आए भाई हमको ये तनख्वाह पे रखा गया अब बच्चे भी चार साल पाँच साल के हो गए फिर डोंट मची कि क्या करें क्या न करें फिर एक स्कूल ने वहाँ इंटरव्यू दिया जहाँ से भी रिटायर हुए हैं उन्होंने हमको फाइव हंड्रेड की सैलरी ऑफ़र की तो कहने का मतलब ये है कि पाँच सौ की सैलरी उस समय नाइनटीन सेवेंटी फाइव में एक बहुत बड़ी रकम थी वो हम लोगों के लिए काफ़ी थी घर चलाने के लिए लेकिन फिर भी दिमाग में तो यही रहता था कि ये करें ये करें ये करें खाली दिमाग शैतान का घर हर समय आज ये बना लेंगे कल वो बना लेंगे धीरे धीरे करके वो हाउस वाइफ बन गए बच्चों को संभाल लिया घर के खाने पीने का शौक़ तो था ही बनाने का तरह तरह की चीज़ें बनाते रहते थे बच्चों को खिलाते थे स्कूल के डब्बों में पैक करके ले जाते थे तो वो एक हाउस वाइफ की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाते रहे जिंदगी आगे बढ़ती रही जब रिटायर हो गए तब सोचने लगे कि अरे क्या करें खाली तो बैठ नहीं सकते तो एक दिन हमारे ग्रैंडसन ने कृष्ण ने हमको कहा कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ उसका फ्रेंड का नाम है बचपन का दोस्त है कनाऊ तो वहाँ गए हमने कहा ठीक है तो वहाँ उन्होंने देखा कि कनव की मम्मी जो है एक फूड वाला कार्यक्रम वो कर रही हैं और ये बच्चे जो हैं उनके शूट कर रहे हैं तो तुमने कहा तुमको रात में इतनी देर क्यों लग गई आने में तो ये बोले नहीं हम शूट कर रहे थे उनका क्या शूट कर रहे थे तो कहने लगे कि नहीं हम वीडियो बना रहे थे काहे का वीडियो बना रहे थे भाई ठीक से बताओ ना हमको समझ में नहीं आ रहा है शूट कर रहे थे वीडियो बना रहे थे क्या कर रहे थे अरे नहीं दादी आपको पता नहीं आंटी जो हैं खाना बनाती हैं और उसकी हम लोग एक वीडियो रील शूट करते हैं तो अच्छा खाना बना खाना तो हम भी बनाते हैं उसमें क्या बात है तो बोले आप बना सकते हो क्या निकालो क्यों नहीं बना सकते हैं तुम जब चाहो जब चाहो तभी बना लेंगे देखते हैं कैसा बनता है क्या है हमको तो कोई आइडिया नहीं है तुम तो हमको बताओगे तो हम कर लेंगे तो उस समय से फिर ये एक अंदर की जो दबी हुई चाह थी कि हमें कुछ करना है कुछ करना है ये स्टार्ट हुई और जब इनका एक वीडियो पहला शूट हुआ तो हम लोग को पता नहीं था कि भाई क्या होता है यूट्यूब क्या है वो भी इन लोगों ने समझाया फूड फूड चैनल हम देखा करते थे इन लोगों की मेहरबानी से कि भाई हमको खाने में पकाने में इंटरेस्ट है तो आप दादी ये वाला देख लो इसमें सब कुछ आता है तो वो वहाँ से हमारा ये यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस डालने का जो शौक़ जो पैशन था अब वो एक पैशन बन गया पहला तो शौक़ था कर लेते थे अपने फैमिली के लिए करते थे लेकिन बाहर लेकिन उसका रिस्पांस जो मिला वो तो अनएक्सपेक्टेड ही था यानी पहला शूट हुआ है और पहले में ही रिस्पांस आ गया ये खुशी की बात है ना ये तो दूसरा डाला उससे भी ज़्यादा हुआ तीसरा डाला उससे भी ज़्यादा यानी दिन पर दिन ये यूट्यूब से जो चैनल चलते हैं उनमें इतने लाइक्स आने लगे इतने लाइक्स आने लगे हमारी नज़र कमरो कमज़ोर होने की वजह से हम तो कमेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन ये बच्चे हमको पढ़ पढ़ के बताते हैं दादी आज इतने कमेंट्स आए हैं आपके लिए आप तो क्या क्यूट लग रहे हो ऐसे भी लग रहे हो वैसे लग रहे हो जो जो कमेंट्स आते थे ये पढ़ के हमको बताते बहुत खुशी होती थी फिर जब काफ़ी के बाद काफ़ी वीडियोस आ गए थे उसके बाद एक वीडियो जो आया है जिसने तो हम सबके छक्के छुड़ा दिए एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई इतने बढ़ जाएंगे और इतनी जल्दी कम टाइम में जब तो शायद एक महीना भी नहीं हुआ होगा तो वो रील तो आप लोगों ने देखी भी होगी शायद कि हम लोगों में इतना एक्साइटमेंट था हम सिर्फ नंबर ही देख रहे थे कि कहाँ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है लेकिन वो जब थाउजेंड क्रॉस हुआ है तब तो, तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा इस तरह से ये हमारा सफ़र जो है आगे बढ़ रहा है आप सबकी मेहरबानी है आप सबका प्यार है आप सबके जो वेल विशेज़ हैं जो हमको मिल रही हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों से तक भी कमेंट्स आ रहे हैं लाइक्स आ रहे हैं दूसरी चीज़ हम किचन में जाते हैं हम कुछ खाना बनाना चाहते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये कहाँ है वो कहाँ है ये कहाँ से लेंगे वो कहाँ से लेंगे ये सब चीज़ें हम इकट्ठा कर लेते हैं और अपने उस आइटम को बनाने में हम लग जाते हैं इसी तरह हमारी लाइफ है हमारी ज़िंदगी है हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कभी इस भाग दौड़ में फंसते हैं कभी उस भाग दौड़ में फंसते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है तो आजकल कल के जो यूथ है आजकल की जो एजेंसी हैं वो इसी तरह की भाग दौड़ में लगे रहते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं अपना माइंड सेट नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किस रास्ते से आगे बढ़ें उसी तरह से हम कई बार कई काम करना चाहते हैं सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलती है अगर सफलता नहीं मिलती है तो आपको डरना या निराश नहीं होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है अब आपके सामने हम बैठे हुए हैं हमारी उम्र कितनी आप जानते हो कईयों को तो पता भी नहीं होगा हम पचस्सी साल के हैं एट्टी फाइव ईयर्स ओल्ड लेकिन हम में जज्बा है कुछ करने का है डिसाइड कर लिया है कि हमें करना है तो कर रहे हैं इसी तरह आप भी अपने आप में एक जज्बा पैदा करो और उस जज्बे को लेकर आगे बढ़ो कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी आप क्यों सोचते हो कि आपको सफलता नहीं मिलेगी आपको बराबर सफलता मिलेगी